असलम एंड टूडे आई एम गोन स्टार्ट द वीडियो सीरीज ऑफ सिनेम्स एंड एंटिनम्स एज यू नो दैट इन एवरी टेस्ट और एवरी कंपेटेटिव टेस्ट यू हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग सिनेम्स एंड एंटिनम्स राइट तो उसकी तैयारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बट साइड बाई साइड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द सिनेम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड लाइक द वर्ड दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज स्कॉप्योलेंट ठीक है एक आसान सा वर्ड है कॉपलेंट ठीक है आपने इसका मतलब पता कर लिया एंड इट बिकम्स वेरी ईजी बट इज़ नॉट दैट वेरी ईजी क्योंकि अगर आपके पास कोई भी सिनेम आए तो यू शुड नो ऑल द सिनेम रिगार्डिंग कॉप्यूलेंट ठीक है मतलब आपको कॉपिलेंट का हर सिनेम पता होना चाहिए अदरवाइज लेट सपोज अगर आपने सिनेम का कॉपिलेंट का एक सिनेम याद किया जैसे वेटी ठीक है आपने अगर उसके अलावा कोई और सिनेम आया तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि एवरी वर्ड बींग्स वेरी डिफिकल्ट ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी और पहले हर वर्ड को समझने के लिए उसका रूट वर्ड पता होना चाहिए कि उसका रूट वर्ड क्या है द वर्ड दैट आई हैव चोजन टूडे इस्प्योलेंट कॉपलेंट एक एडजेक्टिव है एडजेक्टिव यानी वो कोई क्वालिटी डिफाइन कर रहा है क्या कर रहा है क्वालिटी डिफाइन कर रहा है अब कॉपलेंट क्या है अगर मैं इसका रूट वर्ड निकालू तो कॉपलेंट इज बेसिकली दिस कॉर जो है ये कॉर्पस से निकला है कॉर कॉर्पस किससे निकला है कॉर्पस एंड कॉर्पस मींस बॉडी कॉर्पस मींस बॉडी यानी अब आप खुद बताओगे कि इसका मतलब क्या है ठीक है उसके बाद है यूलेंट ये जो यूलेंट है इसका मतलब होता है फुल ऑफ फुल ऑफ ठीक है अच्छा अब इस बॉडी और फुल ऑफ से क्या चीज समझ में आती है यू कैन यू कैन अज्यूम के बाई फिट पर्सन ठीक है या फिर वो बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहा हुआ जिस बंदे ने या वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है अगर इफ इज वेरी डोमिनेंट एंड अपेयरिंग यानी अगर आपको दूर से ही कोई बंदा नजर आ रहा है तो उसके दो फीचर्स हो सकते हैं या तो बहुत ज्यादा टॉल है या बहुत ज्यादा मोटा है ठीक है तो कॉपिलेंट इज बेसिकली अ फिट पर्सन हम चबी पर्सन के लिए कॉपिलेंट का वर्ड यूज करते हैं क्यों क्योंकि बॉडी फुल ऑफ अ फुल ऑफ कैन बी मास ठीक है तो उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा मास से भरी हुई है तो कॉपलेंट समझ में आ गया हर वर्ड का रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन ईजिली मेमोराइज द वर्ड कॉपलेंट कॉर्पस से निकला है कॉर्पल कॉर्पस एंड यूलेंट से निकला है कॉर्पस का मतलब क्या है बॉडी यूलेंट का मतलब क्या है फुल ऑफ ठीक है इट्स एन एडजेक्टिव आई सॉ वेरी कॉपलेंट पर्सन मैंने एक बहुत ही मोटा आदमी देखा इंस्टेड ऑफ सेइंग फैट इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ यू कैन से कॉपिलेंट पर्सन ठीक है यानी वो बहुत ही मोटा था अब अब उससे रिलेटेड ये जो आपको सारे सिनेम्स नजर आ रहे हैं ट्वेंटी रिलेटेड कॉपिलेंट ठीक है ये सारे के सारे सिनेम क्या है कॉपलेंट से रिलेट करते हैं अब इनमें से कोई भी सिनेम आपके पास आ सकता है अगर आपने पूरे सिनेम्स याद नहीं करें इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेप एनी वर्ड ठीक है लेट सपोज अगर मैं पोटेंट uh, लिख दूँ या फ्टी लिख दूं तो आपको इसका मतलब नहीं पता होगा अब ये भी मुश्किल है कि हम इन सब को याद कैसे रखेंगे इतने सारे सिनेम्स हैं तो हम कैसे याद रखें कि ये सारे कॉपलेंट से रिलेटेड हैं तो हमें इसे क्या बनाना पड़ता है हमें इसके लाइक हमें उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी को फॉलो अप करना पड़ता है ठीक है नुमैनिक्स अगर आपको पता हो कि हम जैसे आ, उसकी कोई शॉर्ट की बना लेते हैं या कोई ऐसी ट्रिक ईजाद कर देते हैं ताकि हमें वो वर्ड याद रखें ठीक है अब जैसे मैं बर्ग बर्ली की बात करूं लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ विदोर्ट दिस इज कॉल्ड बर्ली अभी जो बर्ली है अगर आप इसको गौर से देखो तो इसका शुरू का वर्ड आ रहा है बर्गर से बर्गर और बर्ली अब आप इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर कोई बंदा है जो बहुत ज्यादा बर्गर खाता है तो वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा ही विल बिकम फैट वेरी सून ठीक है तो आप इस तरह से याद रखो कि बर्ली अगर कहीं पे आ रहा है तो द पर्सन मस्ट बी फैट आफ्टर ईटिंग अलॉट ऑफ बर्गर ठीक है तो ये हमें पता चल गया कि अगर बर्ली आएगा तो वो भी कॉपिलेंट ही है यानी वो भी फैट पर्सन को ही डिस्क्राइब कर रहा है सेकेंड हमारे पास आ रहा है ओबेस ओबेस बेसिकली हम यूज करते हैं मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं ना ओबेस हो गया है ओबैसिटी है ठीक है द पर्सन इज गोइंग टू वर्ड द ओबैसिटी यानी वो अब मोटे होने की तरफ जा रहा है ठीक है द पर्सन इज क्वाइट ओबेस वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है तो यहाँ ओबेस जो है मेडिकल टर्म है दैट इज वेरी लाइक कॉमन वर्ड अब हमारे पास आ रहा है लस्टी लस्टी क्या होता है बेसिकली लस्ट हो जाती है किसी चीज़ की डिजायर बढ़ जाती है दिस इज कॉल्ड लस्टी अब जाहिर सी बात है आप इसको ऐसे याद रख सकते हो किसी को फूड खाने की लस्ट हो ठीक है तो वो क्या होगा जाहिर सी बात है अगर इफ यू आर वेरी लस्टी ऑफ फूड देन यू विल बिकम फैट टू आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा खाना खाओगे तो ज्यादा से ज्यादा मोटे भी हो जाओगे लस्ट और डिजायर मतलब लस्ट इज बेसिकली अ डिज़ायर अ एक्सट्रीम डिजायर यानी आपको बहुत ज्यादा शौक है खाना खाने का अच्छा उसके बाद लस्ट अच्छा लस्ट की बात हमारे पास आ रहा है वेटी अब वेट वेट तो आपको पता चल गया वेट क्या है ठीक है वेट इज सिंपल वेट दैट वी कैन लाइक मेजर लेकिन वेटी टी आ गया अगर टी भी लग गया तो इससे क्या है ठीक है ही सो वेटी इसका तो बहुत ज्यादा वेट है ठीक है अच्छा उसके बाद हमारे पास आ रहा है बीफी बीफी यानी ये तो बहुत ही गोश खोर है ठीक है गोश खोर अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा गोश खाता है और जो बहुत ज़्यादा मीट खाएगा तो वो क्या हो जाएगा वो भी फैट हो जाएगा सही है इसी तरह अगर कोई स्ट्रांग और थिन है लाइक स्ट्रांग या वीक है तो वीक बंदा तो भाई उसके अंदर ताकत ही नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हम ये कंसिडर करेंगे ही इज़ वेरी वीक

तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किससे रिलेट कर रहा है वो भी कॉपलेंट से रिलेट कर रहा है कॉपलेंट यानी फैट मतलब आपको अगर मैं एक स्ट्रोंग बॉडी बिल्डर की बात करूँ तो बॉडी बिल्डर कोई थिन और स्लिम में नहीं आते कोई वीक में नहीं आते दे कम इन अ वेरी फिट अगर लाइक दे आर फिट बट उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रक्चर वाइज क्या हो जाती है ब्रॉड हो जाती है ठीक है दैट कम्स इन कॉपलेंट फिर हमारे पास आ रहा है स्टर्डी ठीक है स्टर्डी इज अ वर्ड दैट ऑल्सो दैट ऑल्सो मीन्स लाइक फैट अब स्टडी को हम कैसे याद रखें कैसे याद रखेंगे भाई लाइक uh, like, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्टडी करता है तो उस स्टडी करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा बैठे रहना पड़ेगा एक जगह बैठ के पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा और अगर एक बंदे के अंदर मूवमेंट ही नहीं है वो एक जगह बैठ के पढ़ रहा है तो पर, वो क्या हो जाएगा एक ही जगह बैठ बैठ के मोटा हो जाएगा तो जब स्टडी आर यू नीड टू मेमोराइज इट विद द स्टडी अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा स्टडी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ेगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉपिलेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉपिलेंट हो जाएगा अब इसके बाद मेरे पास आ रहा है पोटेंट ठीक है इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है पोटेंट अब पोटेंट क्या होता है पोटेंट यू नो दैट पोटेंशियल एंड अबिलिटी ठीक है पोटेंट क्या होता है एक अबिलिटी होती है अब अगर किसी के पास कुछ करने की पोटेंशियल है ठीक है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो आप इसको ऐसे याद रखोगे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है वो ताकत दोबारा कहां से आएगी अगर आप स्ट्रॉग से रिलेट करो वी हैव अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है तो उससे बहुत ज्यादा खाया भी होगा एक बिना खाए पर्सन के पास इतनी ताकत नहीं होती तो उसके बाद पोटेंशियल कहां से आया उसके पास आया फूड से और अगर बहुत ज्यादा फूड खाया तो वो क्या था वो बन गया कॉपलेंट ठीक है अच्छा आई एम गोना आस्क ऑल दीज वर्ड अगेन और आई एम गोना रिवाइज ऑल वर्ड अगेन सो दैट यू कैन मेमोराइज इट वंस ठीक है अच्छा फिर हमारे पास आ रहा है मेस्कुलिन अब मैस्क्यूलिन कैन नॉट बी यूज फॉर द फीमेल फीमेल आर कंसिडर एज अ वीक एंड थिन एंड स्लिम ठीक है वेर इज मैस्कुल इज यूज फॉर मैन वो आदमियों के लिए यूज होता है आदमियों के लिए क्यों यूज होता है बिकॉज हम मैन एंड uh, मतलब मैन एंड वुमेन को अलग अलग कंसीडर करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वुमेन्स आर कंसीडर वीक ठीक है वीक स्लिम कर लो थिन कर लो मैन की बात करूं आर कंसिडर ए टॉल ठीक है ब्रॉड तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं मैस्कुलन यूज करें अब तो मैस्कुलिन अगर वो हम वीक यूज नहीं कर रहे हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग का शो कर रहे हैं कि भाई ही इज वेरी मैस्कुलिन ही कैन फाइट विथ एनी वन तो हम क्या करेंगे वो भाई उसने भी खाया होगा ठीक है इसलिए वो मैस्कुलिन हो गया या उसके अंदर ताकत है अगर इंसान के अंदर ताकत है तो वो मैस्कुलिन है क्यों क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खाया है और अगर जो भी अंडा खा रहा है वो इन दी एंड फैट तो उसे होना ही है तो ही विल बिकम कॉर्पुलेंट कॉर्पुलेंट रट लें आपके एक पहला वर्ड्स आगे इसको आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े फिर आ रहा है रोबस्ट रोबस्ट यूजअली जो है ना अगर आपने देखा हो पास पेपर्स में तो ये रोबस्ट जो है वो रिपीट होता है अब रोबस्ट को हम याद कैसे रखें ये कॉपलेंट से रिलेट करते हैं तो रोबस्ट अगर ये रॉब से निकालूं तो रोबोट भी होता है ठीक है ठीक है तो यानी अब रोबोट्स क्या होते हैं दे आर पावरफुल ठीक है they अब दे कैन डू एनी वर्क दे विल नॉट गेट टायर्ड ऑफ ठीक है तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर हमने पावर भरी है यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है तो हम कहेंगे भाई वो ज़्यादा कॉपलेंट भी हो सकता है क्योंकि एक ज़्यादा खाए पिए इंसान के अंदर अगेन क्या होगी ज़्यादा ताकत होगी तो आप इस रोबोट्स को याद रखोगे रोबोट से ठीक है अब आपको ये सारे वर्ड्स नहीं याद रखने इससे जो हम वर्ड्स बना रहे हैं इससे जो हम नुमानिक्स uh, बना रहे हैं उनको याद रखना पड़ेगा ताकि रोबोट रोबोट आया रोबोस्ट याद आ गया ठीक है रोबोस्ट आया हमने रोबोट कंसीडर किया अच्छा ये रोबोट वाला सीन है ये किसका सने है कॉपिलेंट का सिनेम है इसकी तरह मस्क्यूलर मस्क्यूलर मीन्स अलाट ऑफ मसल्स अब भाई इसके पास इतनी सारी मसल्स हैं तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी फैट ठीक है अब वो इतना ज़्यादा उसके पास गोश्त है ठीक है तो वो क्या है वो कॉपेलेंट है इसी तरह आ रहा है स्टाउट अब स्टाउट का अगर मैं बात करूं तो आप देखो दो आपको दो वर्ड्स दे रहे हैं इट इज वेरी इजी एस टी एंड आउट स्टमक आउट अब उसका स्टमक हो गया आउट ठीक है अगर उसका स्टमक आउट हो गया तो वो क्या रहा है वो बेसिकली एक कॉपलेंट क्योंकि वो मोटा है इसलिए तो उसका स्टमक आउट है तो आप स्टाउट को याद नहीं रखोगे आप याद रखोगे स्टमक आउट को ठीक है इस वर्ड से आपको याद रखना है कि ये एस एस टी स्टमक एंड आउट यानी उसका स्टमक क्या हो गया आउट हो गया तो वो जब उसका स्टमक क्या हो गया वो वो हो गया क्या क्या है 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 एक जो जो कि कि कर रहा बंदा बहुत ज़्यादा मोटा फिर तो भाई ये तो बहुत फैट है ये तो बहुत ही ईजी है यू नीड टू मेमोराइज इट फ्लैश फ्लैश हम यूज करते हैं गोश्त के लिए ठीक है ना अब गोश्त अगर ये बहुत ही ज्यादा फ्लैश है इज अ वेरी फ्लैश पर्सन तो फ्लैश मतलब उसके बाद बहुत ज़्यादा गोश्त है ठीक है तो अगर बहुत ज़्यादा मसल्स है, बहुत तो हैं बहुत ज़्यादा गोश्त है तो ऑफकोर्स ही इज अगेन वेरी कॉपलेंट फिर है माचो मैन माचो मैन क्या होता है माचो मैन होता है पावरफुल माचो मैन होता है एक्टिव माचो मैन होता है लाइक ही ही इज एबल टू डू एनीथिंग अगर माचो मैन है तो माचो मैन भी कॉपलेंट से ही रिलेट करेगा क्योंकि वो क्या कर रहा है उसके अंदर ताकत है ठीक है तो उसे हो सकता है उस ताकत को बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा खाया होगा हो सकता है वो मोटा हो गया बट बिकॉज ही हैज पावर ठीक है फिर हमारे पास आ रहा है पोटली को आप कैसे याद रखोगे भाई उसने क्या किया उसने बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन खा लिया ठीक है उसने बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन खा लिया हम कहते हैं ना वी हैव टू ईट फूड इन अ राइट प्रोपोर्शन लेकिन उसने प्रोपोर्शन को मीट ही नहीं किया उसने एक्सट्रीम प्रोपोर्शन खा लिया तो हम इसे प्रोपोर्शन से याद रखेंगे ठीक है यानी उसने पोर्टली हो गया ही इज वेरी पोर्टली वाइड बिकॉज ही इज वेरी कॉपोलेंट अब यानी उसने बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन खाया आउट ऑफ डाइट खाया अब आउट ऑफ डाइट लेट सपोज इफ समन इज एबल टू ईट अ बर्गर डे ठीक है एक दिन में एक बर्गर खा सकता है वो इंस्टेड ऑफ ईटिंग वन बर्गर ही इज ईटिंग टू और थ्री बर्गर देन वो इंक्रीज होते होते फोर एंड फाइव बर्गर्स पे चला गया तो उसका प्रोपोर्शन आउट होता जा रहा है जब उसका प्रोपोर्शन आउट होगा तो वो क्या हो जाएगा ही विल बिकम फैट तो पोर्टली किसके लिए यूज हो जाएगा कॉपलेंट के लिए यूज हो जाएगा फिर आता है hefty. Hefty से क्या निकलेगा hefty का हम क्या सोच सकते हैं भाई ही इज वेरी बेसिकली हाफ ठीक है या हाफ यानी जो मोटे लोग होते हैं वो क्या करते हैं हाफने लगते हैं ठीक है थीके? यानी अगर वो उनको हम भगाएं तो वो क्या करेंगे हाफने लगेंगे तो हाफ्टी को आप इस तरह याद रख सकते हो कि अगर इफ इफ अ ए पर्सन रन तो वो क्या करेगा हमसे पहले हाफने लगेगा ठीक है तो हैफ्टी जब हैफ्टी आएगा तो आपको हैफ्टी याद नहीं रखना आपसे अपने दिमाग में लेकर आओगे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हेफ्टी इज इफ अ फैट पर्सन रन तो वो क्या होगा उसे हाँपने लगेगा वो तो हाँपने क्यों लगेगा क्योंकि ही इज वेरी फैट असलिम पर्सन कैन नॉट लाइक उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो एबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द फैट पर्सन उसके बाद हैफ्टी से आपने क्या याद रखा कि वो हाँपने लगेगा हैफ्टी किसका हो गया कॉपलेंट क्या हो गया क्यों हाँप है वो बिकॉज ही इज वेरी फैट ही इज वेरी कॉपलेंट फिर आ गया पटजी अब पर्जी जो है वो अगर आप पबजी से याद रखो कि अगर कोई बंदा बैठ के सिर्फ और सिर्फ गेम ही खेल रहा है तो वो क्या हो जाएगा अगेन वो फैट हो जाएगा ठीक है अब या फिर आप इसको पुडिंग से याद रखो पी यू डी से याद रखो पुडिंग से अगर बहुत ज्यादा कोई पुडिंग खा लेगा तो क्या होगा वो भी मोटा हो जाएगा तो पटजी ठीक है हाफ टी पॉटली ये सारे चीज़ें जो है ना आपको ये वर्ड्स नहीं याद रखते हैं आपके इनके नुमैनिक्स याद रखने हैं यानी हमने क्या डिस्कस किया हमने इसका क्या मिमिक आ, क्या मजाक बनाया या फिर हमने इसे क्या क्लू जनरेट की आपको वो याद रखना है फिर है रोटेंड रोटन इज ऑल्सो यूज फॉर कॉपलेंट अब रोटन से आप क्या निकालोगे आर ओ टी निकाल लोगे ठीक है और टी यू एन डी निकाल लोगे ठीक है इट्स वेरी लाइक अगर इफ समन ईट्स अ लॉट ऑफ रोटी तो उसकी निकल आएगी तोंद ठीक है तो हम ये क्या करते हैं अगर बहुत ज्यादा लेट सपोज इफ अ पर्सन इज एबल टू अगेन एबल टू ईट ओनली वन रोटी और वो क्या कर रहा है फोर और फाइव रोटी खा रहा है बिकॉज फूड इज वेरी यमी तो उसकी क्या निकल आएगी तोन और अगर किसी की तोन निकल आएगी तो क्या होगा ही इज वेरी कॉपलेंट वो बहुत मोटा है ठीक है तो रोटेन क्या हो गया रोटेन इज फैट्स यानी कॉपलेंट है फिर आ गया प्लम अब प्लम क्या होता है प्लम का मतलब होता है फूलावा अब आपको फूलावा तो बेसिकली याद नहीं रहेगा हम क्या करेंगे अगर आपने देखो पम्प अगर मैं इसमें से एल को रिमूव कर दूं फिलहाल और पंप याद करूं तो हम क्या करते हैं बलून के अंदर पंपिंग करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि फूल जाता है वो यानी वो मोटा हो जाता है तो उससे आप क्या याद रखोग कापलेंट यानी वो जो मोटा सा गुब्बारा है जिसको हमने पंप किया है वो भी क्या शो कर रहा है इट शोज अ फीचर ऑफ कॉपलेंट कि वो बहुत मोटा है ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है सिनेंस याद करने अब अगेन एक दफा रिवाइज करते हैं देन वी विल डिस्कस कि आपको ये समझ आया या नहीं आया Copulent एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है फैट अब उसका वर्ड अगर मैं बात करूं तो कॉर्पस होता है कॉर्पस क्या होता है बॉडी ठीक है फिर यूलेंट का मतलब क्या होता है फुल ऑफ उसके अंदर बहुत ज्यादा मास है उसकी बॉडी फुल ऑफ मास है ठीक है अब इसके सिनेम्स क्या क्या पढ़े हमने बर्ली बर्ली को हमने कैसे याद रखा बर्गर से अगर वो बहुत ज्यादा बर्गर खाता है ही इज वेरी फैट ही इज वेरी कॉपिलेंट ओबेस इज अ मेडिकल टर्म ठीक है हम बेसिकली डॉक्टर से ओबैस का वर्ड यूज करते हैं ओबैस उबेस मीन्स ओबैसिटी कि वो अपनी फैट लिमिट को अपनी वेट को एक्सीड कर रहे हैं फिर लस्टी अगर इज रेट लस्टी ऑफ फूड तो वो क्या होगा वो भी कॉम्पलेंट हो जाएगा खा खा के वो भी मोटा हो जाएगा वेटी उसका वेट इंक्रीज होता जा रहा है यानी अब तो वो बहुत मोटा लगना शुरू हो गया है बीफ ही अब कोई बहुत ज्यादा बीफ खाएगा तो क्या होगा अगर बहुत ज्यादा लोग गोश्त खाने शुरू कर देंगे तो क्या होगा वो मोटे होते जाएंगे फिर इसी तरह हमारे पास आ रहा है स्ट्रॉन्ग अगर मैं किसी को लड़ने के लिए एक स्लिम ट्रिम को लड़ने के लिए भेज रही हूँ तो डेफिनेटली ही विल नॉट विन क्यों क्योंकि ही डस्ट नॉट हैव पावर टू हैव द पावर वी हैव टू ईट फूड लेकिन इतना है फूड नहीं खाओगे तुम कॉपेलेंट हो जाओ तो स्ट्रांग इज बेसिकली ईटिंग समथिंग अब वो स्ट्रांग है तो जाहिर ऐसी बातें हो सकता है वो कॉपेलेंट भी हो फिर हमारे पास आ गया स्टडी स्टडी को हमने कैसे याद रखा था स्टडी से बहुत ज्यादा एक जगह बैठ के स्टडी करोगे तो हो जाओगे मोटे ठीक है फिर आ गया पोटेन ठीक है पोटैन को हम कैसे याद रखें पोटेंशियल बहुत है भाई इसके अंदर क्यों पोटेंशियल बहुत है खाता बहुत है ठीक है अब वो खाता है तो जाहिर सी बात है वो क्या है कॉपिलेंट होता जा रहा है फिर मैस्कुलिन ना मैंने बताया था, था कि फीमेल्स के लिए तो यूज नहीं होता मेल के लिए यूज होता है क्योंकि मेल आर कंसिडर वेरी स्ट्रोंग और स्ट्रोंग तो वैसे ही हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रॉन्ग इज फॉर कॉपिलेंट तो आप इस तरह से याद रख सकते हो रोबोट्स को हमने किससे याद रखा रोबोट से मस्कुलर मसल से उसके बहुत ज्यादा मसल्स है तो भाई वो बहुत ज्यादा कॉपिलेंट भी है स्टाउट को हमने कैसे याद रखा स्टमक आउट से उसकी तोंद आ गई है बाहर ठीक है तो वो क्या हो गया बहुत ज्यादा मोटा हो गया यानी वो बहुत ज्यादा कॉपिलेंट हो गया फिर फैट तो इट्स वेरी कॉमन फ्लैश फ्लैश गोश्त को कहते हैं अगर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर गोश्त है तो यू आर कॉपलेंट यू आर कंसिडर एज कॉपलेंट फिर माचो क्या होता है माचो एक होता है एक्टिव बंदा होता है जो बहुत ज्यादा मतलब उसने राइट प्रोपोर्शन बेसिकली खाया हुआ होता है लेकिन वही माचो मैंने अगर एक्सीड कर जाए तो वो क्या होता है कॉपलेंट हो जाता है माचो इज ऑल्सो यूज एज एनेम ऑफ कॉपलेंट पोर्टली प्रोपोर्शन आउट हो गया भाई जितना खाना था उससे एक्सीड कर गया ठीक है तो यानी वो क्या है वो भी फैट है फिर हाफ्टी हाफ्टी क्या था हाँपने लगता है वो ठीक है वो भाग भाग के हाँप है क्यों हाँप है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है पटजी पुडिंग से निकला है यानी आप पुडिंग से याद रख सकते हो या पबजी से याद रख सकते एक के हो एक जगह बैठ के पबजी खेलोगे तब भी मोटे हो जाओगे या बहुत ज्यादा पुडिंग खाओगे तब भी मोटे हो जाओगे फिर रोटेंट यानी रोटी और तोन बहुत ज्यादा रोटी खाई तोन बाहर आ गई तो क्या हुआ ये भी आपको क्या शो कर रहा है कॉपलेंट को शो कर रहा है प्लम प्लम का एल हटाओ पंप याद रखो गुब्बारे में हम पंप करते हैं ठीक है हवा पंप करते हैं उससे वो गुब्बारा क्या हो जाता है मोटा सा हो जाता है तो वो क्या है कॉपलेंट अच्छा दिस इज़ ए सिंपल ट्रिक टू मेमोराइज़ दिस सिनेम ठीक है ऑल द रिगार्डिंग सिनेम ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड वर्ड हमारे पास सेम uh, मुश्किल आते हैं ठीक है जो वर्ड्स हैं ना कॉपलेंट वो आते हैं मुश्किल उसके सिनेम फिर भी आसान आते हैं लेकिन वो सिनेम होते हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है तो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज़ आई के नॉट मेमोराइज दिस वर्ड रोबोस्ट आई के नॉट रेमेमोराज द मीनिंग ऑफ पोर्टली बट मैं उससे रिलेटेड जो नोमानिक्स बनाऊंगी ना वो मुझे याद रहेंगे तो वो अगर मैं पॉडली याद करूँगा अच्छा प्रबोशन आउट है प्रोबोशन आउट किसका था कॉपलैंड का था तो मैं ऐसे याद रख सकती हूँ इफ़ यू लाइक दिस वे अगर आपको सिनेमा इस से समझ में आ रहे हैं जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस इज अ वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ सिनेम एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग इन द सेम वे इन द नेक्स्ट वीडियोज ठीक है और इसी तरह आई हैव टेकन आउट ऑलमोस्ट ट्वेंटी और फर्स्ट uh, ट्वेंटी मैंने सिनेम सिखा लें जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है अगर आपको ये तरीका समझ में आता है देन आई एम कौन मेक द सेम Way for 20 words. Okay, thank you so much, and this is for this video. Thank you, Allah us.